रबी का जो सीजन है वो समाप्त हो चुका है। गेहूं और सरसों की फसल है ऑलमोस्ट किसानों की निकल चुकी है और उन्होंने अपने घर पे या मंडी के अंदर डाल दी है। खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है, किसानों ने कई सारी फसलें वो लगा दी हैं, जिसमें मुख्य रूप से है कॉटन की फसल। कॉटन की फसल की अगर बात करें, इसमें खर्चा बहुत कम आता है और इसके मंडी भाव बहुत अच्छे मिलते हैं किसानों को, बहुत ज्यादा मुनाफा इसके अंदर होता है। पिछले कुछ सालों से कॉटन की फसल वो किसानों की मुख्य फसल बन चुकी है। अगर इस फसल की एक अच्छी वैरायटी का चुनाव हो जाए, खेत की तैयारी अच्छी हो जाए, बिजाई से पहले खाद पानी अगर जमीन के अंदर अच्छा हो, तो निश्चित तौर पर हमें एक बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है। फिलहाल में हम अलवर जिले के अंदर हैं, नौगावां तहसील के अंदर हैं। चरणजीत जी एक प्रगतिशील किसान हैं, इनके साथ हम खड़े हैं। पिछले कई सालों से बहुत लंबे चौड़े एरिया के अंदर ये कॉटन की फसल लगाते हैं। इनसे हम मिलते हैं, अच्छी वैरायटी कौन सी है, खाद पानी का क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, खेत की तैयारी कैसे रखनी चाहिए, हमारी फसलों के अंदर बीमारियां ना आए उसके लिए क्या मैनेजमेंट रखना चाहिए, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। जो भी दर्शक साथी अपने को देख रहे, एक छोटा सा परिचय दे दो उनको जी। सर, मेरा नाम चरणजीत सिंह, गांव नंगली मुबारकपुर, तहसील नौगावां, जिला अलवर। आप कितने एरिया के अंदर कॉटन की खेती करते हैं जी? सर 40 बीघा के अंदर करते हैं। 40 बीघा के अंदर जी। उसके अंदर वैरायटी कौन सी लगाते हैं? सब नवाब गोल्ड लगाते हैं। कितने समय से लगा रहे हैं जी ये सब? 2 साल से। तीसरा सीजन अब है ये। अब की बार तीसरा साल है ये, और सारे के एरिया अंदर यही लगा रहे हैं? हाँ जी सब। अगर इसकी बिजाई का समय की बात करें तो बिजाई का सही समय कौन सा है जी? अब सब जो टाइम ये चल रहा है यही सब सही समय है। जैसे अप्रैल की 10 तारीख के आसपास इसका सीजन स्टार्ट हो जाता है, ये सही समय है। खेत की तैयारी की बात करें तो खेत की तैयारी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जी? सर एक तो जुताई गहरी करनी चाहिए, देसी खाद भी डालनी चाहिए, इनका तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो फसल बिजाई का तरीका है वो कौन सा होना चाहिए जी? हमने देखा है कि 2 फीट पे भी बिजाई होती है, 3 पे भी होती है, 4 फीट पे भी होती है, लाइन से लाइन की दूरी। तो प्रॉपर दूरी बताओ जी कितनी होनी चाहिए? 3 से 4 फुट की होनी चाहिए। इतनी ज्यादा गहरा होगा तो सर वो फल खराब हो जाएगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर हवा और पानी हो प्रॉपर तरीके से नहीं लग पाएगा। और बीज से बीज की दूरी कितनी होनी चाहिए जी? कम से कम 3 फुट। 3 फुट होनी चाहिए। और हमें खाद पानी का क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए बिजाई से पहले जी? सर DAP डालनी चाहिए। अच्छा जी। हाँ जी, DAP बीघे के हिसाब से किसान डाले। ठीक जी। जो आपने ये नवाब गोल्ड वैरायटी बताई है कपास की, आप 3 साल से इसको लगा रहे हैं, इसके अंदर दूसरी वैरायटियों के मुकाबले क्या कुछ खासियत है इसके अंदर जी? सर इसका टिंडा बहुत ही मोटा होता है। अच्छा जी। अच्छा होता है, वजन में भी ज्यादा है। औरों के अगर 3 टिंडे होंगे तो इसके एक ही है। अच्छा अच्छा जी, मतलब मोटा टिंडा। मोटा टिंडा है। ठीक जी। और खींचने में भाई टिंडा जब लेवर चुनती है चुगेगी तो आसान रहेगा, मोटा खिलता भी अच्छी है, खिलेगा अच्छा, मोटा खिलता है। और बीमारियों की बात करें तो बीमारियों के प्रति कितनी सहनशील है जी ये? इसमें सर कोई एक आध स्प्रे कर दो तो ठीक है, नहीं तो कोई इसकी बीमारी आती नहीं। अच्छा अच्छा जी। इसमें जैसे औरों में सोका आ जाता है, इसमें वो भी नहीं आता, झुलसा रोग। झुलसा रोग जिसको बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात करें, कुछ समय से है ना किसानों के बीच में, एक तो ये जो गुलाबी सुंडी है ये मुख्य रूप से बीमारी बन के आ रही है, तो उसका अटैक कितना है इस फसल के अंदर? इसमें नहीं है सर। इसमें नहीं है? नहीं। और एक पत्ता मरोड़ की समस्या बहुत ज्यादा है जी, उसके बारे में क्या कहोगे? उसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है सर। अच्छा, इसमें ऐसी ये दो बीमारी है, ये नहीं है इसके अंदर। हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितनी जाती है जी? 5-6 फुट हाइट जाती है। 5-6 फीट जाती है। और टिंडों की संख्या जी? टिंडों की संख्या तो बहुत ज्यादा है सर इसकी। इस वैरायटी की हाइट की बात करें तो कितनी हाइट जाती है जी? 5-6 फुट जी। 5-6 फीट चली जाती है आराम से। और टिंडों की संख्या ऊपर से नीचे तक एक समान रहती है क्या जी? और जो पहली तोड़ाई जो मेन होती है वो नीचे से स्टार्ट हो जाती है ऊपर जाके आती है जी? नहीं, नीचे से स्टार्ट हो जाती है। इसकी पर एकड़ की प्रोडक्शन की बात करें तो कितनी पैदावार हमें मिल जाती है जी? 10 से 12 क्विंटल के बीच में। एक एकड़ की बात। अगर बीमारियों के प्रति सहनशीलता की बात करें तो ये अच्छी सहनशील वाली बताई है, तो इसका क्या कारण है जी? इसकी पत्तियां रवेदार होती हैं, जो कीट होते हैं वो पत्ते पर बैठ नहीं पाते, वो रवेदार होते हैं और इसलिए यही कारण होता है कि वो बैठ नहीं पाते, तो नुकसान भी नहीं। इसकी कुछ और विशेषताएं बताओ जी, जैसे टिंडा है उसकी क्या विशेषताएं हैं? और सर टिंडे की इसके 5 कली का टिंडा आता है। अच्छा। और ये तो सर दूर से ही पता चल जाता है कि ये नवाब गोल्ड का टिंडा है। अच्छा, अलग ही दिखता है। अलग ही दिखता है। अलग वैरायटी मोटाई की लगा ले उसका। हाँ जी। जो कॉटन है उसका कलर की बात कर ले, सब कुछ होगी रिकॉर्ड है। आप किसानों को क्या कहना चाहोगे, ये वैरायटी लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? नहीं, ज्यादा ज्यादा जी नवाब गोल्ड ही लगानी चाहिए। अच्छा अच्छा। अगर किसानों को प्रॉफिट चाहिए तो नवाब गोल्ड के साथ सबसे अच्छा रिजल्ट नवाब गोल्ड का ही है। इससे पहले आपने दूसरी वैरायटियां भी लगाई होगी,
उसमें और इसमें क्या फर्क आपको लगा? सर इसमें आधा आधा फर्क है सर। अच्छा अच्छा, पैदावार का लगा ले, बीमारियों का लगा ले, खाद पानी का कितना खर्चा है इसके अंदर जी? नहीं सर नॉर्मल है, ज्यादा है उनसे तो कम ही है, जो और वैरायटियां होती थी। पानी कितने लगाते हो आप इनके अंदर? इसमें पानी दो दो लगा देते हैं, तीन भी, और पानी ज्यादा इतना लेता भी नहीं है ये। अच्छा अच्छा, कम पानी में भी ये पक जाता है। हाँ जी। साथियों अगर कोई भी डाउट रह गया आपके मन में इस नवाब गोल्ड वैरायटी के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चरणजीत जी से पूछ के, और एक सटीक जानकारी के साथ आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे साथियों के साथ जरूर शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।